हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब भी हम किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं स्पेशली जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़ती है तो क्या क्या फूड रिलेटेड तैयारियाँ मैं घर से करके चलती हूँ ये बहुत ही इजी सिंपल रेसिपीज़ है जो आप बना सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो किड्स फ्रेंडली एंड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी अगर आप लंबा स्टे करने का सोच रहे हैं या खुद से कुकिंग करने की सोच रहे हैं तो क्या क्या इजी ऑप्शंस आप लोग रख सकते हैं तो ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ एक रात पहले से जिसमें थोड़ा सा मैं मील प्रेप करके रखूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए क्योंकि हमें नेक्स्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था मैंने यहाँ बनाया है थेपले के लिए आटा तो आटे में मैंने डाला है मेथी उसके अलावा नमक ब्लैक पेपर क्यूमिन सीड्स ऑयल ये मैं स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में ताकि सुबह जल्दी जल्दी थेपले बन जाए एक दिन पहले मैं कुछ स्नैक्स बना लूँगी बिकॉज स्नैक्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और हम उन्हें पहले बना के स्टोर कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ कुछ भेल मुरमुरा उसके लिए मैंने लिए हैं पीनट जिन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है एंड थोड़ी सी चने दाल अच्छा ये जो रेसिपी है ना ये बहुत वर्सेटाइल है आपको अपनी नमकीन में जो भी पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं आप काजू डाल सकते हैं किशमिश डाल सकते हैं कोकोनट डाल सकते हैं मैंने यहाँ डाला है मस्टर्ड सीड्स करी लीव्स खूब सारी हींग एंड हल्दी उसके ऊपर डाला है मैंने रेड चिली पाउडर अब इसमें हम डालेंगे अपने राइस वाले जो मुरमुरे आते हैं अगेन जैसे मैंने बताया बहुत ही कस्टमाइजेबल है इसमें ड्राइड कोकोनट डाल दो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं आप हल्के हल्के पाइन एपल पीसेस मतलब जो भी आपको पसंद है ना वो डाल सकते हो इसमें फिर एक टेबल स्पून नमक और एक टेबल स्पून शुगर एंड बिल्कुल खट्टी मीठी नमकीन भेल बनकर रेडी है बाजार की नमकीन के हिसाब से ये बहुत हेल्दी रहती है इसमें आप बिल्कुल कम ऑयल डाल सकते हैं एंड फ्रेश हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं एंड ये एयर टाइट डब्बे में बहुत दिन आपकी आराम से शेल्फ पे लास्ट करेगी अब मैं आपको दिखा रही हूँ सेकेंड ऑप्शन फॉर स्नैक्स तो ये मैं बना रही हूँ थोड़े मीठे में ये स्पेशली है बच्चों के लिए तो ये है गुड़ वाले फूल मखाने या फिर फॉक्स नट्स तो इसके लिए मैंने फूल मखाना जिन्हें लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स भी कहते हैं उन्हें बटर में या घी में रोस्ट कर लिया है उसके बाद मैंने लिया जागरी और जागरी को हल्की आंच पे आप भूनिए वो लिक्विड हो जाएगी बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना नहीं तो वो जल सकती है वंस वो लिक्विड हो जाए उसमें मैंने अपने फॉक्स नट्स एंड ऊपर से थोड़ा ड्राइड कोकोनट डाल दिया है बस आप इन्हें मिला लीजिए एंड धीरे धीरे करके उन्हें इन्हें अलग कर दीजिए क्योंकि टेंडेंसी होती है कि एक साथ चिपक जाए तो आप हल्के से जल्दी से उसे अलग कर दीजिए एंड ये भी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ऑलमोस्ट लाइक अ कैरमलाइज नट्स बन जाते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कैसे बने थे वजह थे अपने तीसरे स्नैक ऑप्शन पे ये बहुत ही इजी है विच इज़ अ ट्रेल मिक्स हालांकि ट्रेल मिक्स आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे बट उनसे चीपर एंड हेल्दियर होते हैं कि आप खुद ही उन्हें बना लें तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद है उन्हें एक साथ मिक्स करके आप पाउचेस में डाल सकते हैं फॉर स्नैकिंग उसके अलावा मैंने कुछ बिस्किट्स प्रिजल्स यहाँ पर है कुछ कोकोनट चंक्स तो ये कोकोनट ही है ड्राइड कोकोनट जो शुगर कोटेड है कुछ बनाना लीव्स आप बच्चों के साथ जितने अलग अलग ऑप्शन हो स्नैक्स के उतना ट्रैवल इजी हो जाता है क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाने में पीने में बिजी रहते हैं एंड पर्सनली आई फाइंड इट रियली हेल्पफुल बिकॉज हम लोगों का स्टे थोड़ा लंबा था एंड हम लोगों के होटल में गैस थी तो मैं थोड़ा कुकिंग का सामान अपने साथ लेके जा रही हूँ ताकि कुछ मील्स हम लोग कुक कर लें और जो भी होटल में मैं इजी कुकिंग करूँगी वो सब मैं आप लोगों के साथ आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूंगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें में वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना तो अब मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से जिस दिन हमें निकलना था सो so, ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ इजी सैंडविचेस ये ब्रेकफास्ट कम लंच हमारा सर्व करेंगे इसके लिए मैंने लिया है टमाटर प्याज कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, उसमें मैंने सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल दी है और ब्रेड में मैंने लिया है ये स्प्राउटेड वाली ब्रेड जो स्प्राउटेड चीज़ें होती हैं वो थोड़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, तो मुझे इस बार ये स्प्राउटेड ब्रेड दिखी तो मैं इसको ले आई बस मैंने फिलिंग डाल दी है अपने सैंडविचेज के अंदर आप चाहें तो थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं एंड मैंने बस टोस्टर में उसने टोस्ट कर लिया है एंड आइल पैकेट ये सैंडविचेस दिखने में ईजी लगते हैं बट खाने में सच में बहुत ही यमी लगते हैं एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको बनाने के लिए सो द नेक्स्ट थिंग आई विल बी मेकिंग इस आलू की सब्ज़ी जो मैं आपको मेथड दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही आसान है कुकर में आप विद इन टेन मिनट्स आलू की टेस्टी सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं तो so, मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल उसमें डाला है मैंने क्यूमिन सीड्स थोड़ी सी कलौजी एंड हींग उसके बाद बड़े बड़े कटे हुए प्याज और मसालों में हल्दी नमक क्यूमिन पाउडर कुरियंडा पाउडर उसके बाद डाला है मैंने टमाटर बस टमाटर को हल्का सा आपको सॉफ्ट करना है पूरा अच्छे से गलाने की ज़रूरत नहीं है उसमें डाल दो आप अपने आलू एंड कुकर को कर दो बंद <laughs> अब मैंने दिया है इसमें दो विसल मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है सब्ज़ी में क्योंकि जो टमाटर है वो थोड़ा पानी छोड़ देंगे वंस जो कुकर का एयर है वो निकल जाए मैंने उसे खोल दिया है एंड आप देख सकते हैं कि सब्जी रेडी है अगर हल्का सा पानी एक्स्ट्रा लगे तो दो मिनट खुले कुकर में आप उसे चला लीजिएगा लास्ट में ऊपर से डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला एंड ये बहुत ही नो चटपटी सूखी आलू की सब्जी जल्दी से कुकर में बन के रेडी हो जाती है और इसके साथ जाएंगे हमारे थेपले तो हमारा रेडी था आटा तो बस मैंने उसमें ऑयल लगा के उसको बेल लिया है और हम इनको ऑयल लगा के अच्छे से सेक लेंगे आ, जब आप ट्रैवल कर रहे हो और खाना काफ़ी देर अगर आपकी कार में रह रहा है तो थोड़ा सा ऑयल अगर आप ज़्यादा भी लगा लेंगे तो वो भी हेल्प करेगा खाने को ज़्यादा देर फ्रेश रखने में बिकॉज ऑयल ऑल्सो एक्ट्स एज़ अ प्रिजर्वेटिव एंड फाइनली मैंने कर ली थी पैक अपनी चाय एक इंसुलेटेड बॉटल में सो so, फाइनली हमारा पूरा खाना के प्रिपरेशन हो गई है मैंने लिया एक इंसुलेटेड ट्रैवल बैग इसमें खाना थोड़ी देर ज़्यादा फ्रेश रहता है तो जो भी फ्रेश फ्रूट्स थे जो भी फ्रेश घर का खाना बना था वो मैंने इस बैग में डाल दिया है जो भी मैं यूज करती हूँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप वो बैग देखना चाहते हैं तो ये है मेरे पास एक ट्रैवल बैग कम बीच बैग तो इसकी जो स्ट्राइप्स है वो काफ़ी ईजी है होल्ड करना और काफ़ी स्पेशियस है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ जो भी ड्राई सामान था वो मैंने इसमें रख लिया है फ्रेश वाला मैंने ब्लैक बैग में रख लिया है एंड हमारा पूरा रोड ट्रिप एज वेल एज जब हम रात को वहाँ पहुँचेंगे तो डिनर पूरा बन चुका है उससे ना मेंटल थोड़ी सी पीस रहती है कि रुकना नहीं पड़ेगा एंड स्पेशली कोविड में बच्चों के साथ इट्स प्रेटी ईजी just wanna try फाइनली oh, so हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन और हम लोग कहाँ घूमने आए हैं कहाँ ठहरे हैं ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आएगा बहुत ही जल्दी सो so, फ्रेंड्स तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी एंड मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय